आज सुबह से उधमपुर के पास समरोली में लैंडस्लाइड्स के कारण जो है रास्ता जमशेदनगर नेशनल हाईवे का ब्लॉक हुआ था। वहां पर व्हीकुलर मूवमेंट जो है उसे अलाउ नहीं किया जा रहा था, और इसी के चलते आपको बता दें कि इस वक्त अपडेट सामने आ रहा है कि जो नेशनल हाईवे है उसे खोल दिया गया है आवाजाही के लिए। तस्वीरें सीधा आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, जो इस वक्त तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि कितनी लंबी लंबी कतारें वहां पर गाड़ियों की हैं, क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को जिस तरह से समरोली में लैंडस्लाइड पड़ने के कारण लॉक किया गया था, उसके चलते कितनी लंबी लाइनें लगी हैं ट्रक्स की, गाड़ियों की, और उसके बाद अब व्हीकुलर मूवमेंट को खोल दिया गया है। और तस्वीरें आपको सीधा हम इस वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की दिखा रहे हैं, जहाँ पर लंबा जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की हम बात कर रहे हैं, और साथ ही आप देख पा रहे हैं कि सुबह काफी देर तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जब ब्लॉक रहा तो कितनी लंबी कतारें जो हैं वो गाड़ियों की देखने को मिली, और फिलहाल हालांकि ट्रैफिक मूवमेंट को बहाल किया गया है, पर उसके बावजूद आप देख सकते हैं कितना जाम है। नेशनल हाईवे को में जो ट्रैफिक मूवमेंट ब्लॉक थी उसे फिलहाल खोल दिया गया है, बहाल कर दिया गया है, जिससे अब एक बार फिर जो आवाजाही है गाड़ियों की वो शुरू हो गई। तो समरोली के पास पस्तियां गिरने के कारण जो हाईवे ब्लॉक हुआ था अब एक बार फिर खुल गया है। इसी अपडेट के साथ